क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं. ये क्वेश्चन डिटरमिनेंट चैप्टर से, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस टॉपिक से. इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, हैज नॉन जीरो सॉल्यूशंस एक्स वाई जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्स जेड अपॉन वाई स्क्वायर. अब यहाँ पे के मिसिंग है. जब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे, तो इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होगा, जिससे हमें के का वैल्यू मिलेगा. पर इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें के का वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है. हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू इक्वेशंस में से के को इलिमिनेट कर लेते हैं, जिसके लिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास आएगा माइनस टू एक्स प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि टू एक्स इज इक्वल टू फाइव जेड. ठीक है, यानी कि x अपॉन फाइव इज इक्वल टू जेड अपॉन टू. इसको हम अज्यूम कर लेते हैं सपोज लेमडा, तो x का वैल्यू हो जाएगा फाइव लेमडा, z का वैल्यू हो जाएगा टू लेमडा. इस x एंड z की वैल्यू जो लेमडा के फॉर्म में है, वो हम इस थर्ड इक्वेशन में रखते हैं, तो हमें y का वैल्यू लेमडा के फॉर्म में मिलेगा. टू एक्स इज इक्वल टू टेन लेमडा प्लस फोर वाई माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय टू जेड माइनस सिक्स लेमडा, दिस इज इक्वल टू जीरो. टेन लेमडा माइनस सिक्स लेमडा फोर लेमडा प्लस फोर वाई जीरो, तो y का वैल्यू हो जाएगा माइनस लेमडा. तो देखो हमें सबका वैल्यू लेमडा के फॉर्म में मिल गया. इन वैल्यूज को हम एक्सप्रेशन x z अपॉन y स्क्वायर में पुट करेंगे. x का वैल्यू फाइव लेमडा, z का वैल्यू टू लेमडा, y का वैल्यू माइनस लेमडा. ठीक है, लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा यहाँ पे 10. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर की है वो है 3. आंसर इज 10.